आज वैसे ही मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं अबाउट माइंड बैटलिंग। जहां तक मैं जानता हूं और मैं वाकिफ हूं इस चीज से कि हम प्रतिदिन अपने मन में कुछ विचारों से लड़ते हैं, और आप भी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स एक इंसान की हालत क्या कर देते हैं। बाइबल बताती है कि मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता है, और अगर मन नया नहीं है तो चाल चलन भी नहीं बदल सकता। यीशु का पहला प्रचार था मन फिराओ। यीशु ने कहा, सीखो मैं मन में नम्र और दीन हूं। बाइबल कहती है मन में, हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है। मैं आज सबसे पहले आपके साथ 10 से 12 मिनट मैं कुछ माइंड बैटलिंग, जो हमारे अंदर लड़ाइयां चलती हैं, मैं उसके लिए कुछ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे जिंदगी में कुछ हालात हैं। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, कभी कभी हमारे पास इनकम सोर्स नहीं होता। लॉकडाउन में, मैं पहले से बोलता आया हूं, फिर से कहता हूं, बहुतों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया। आप सभी जानते हैं, लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, असर दिमाग पे पड़ता है, असर माइंड पे पड़ता है। हम कहाँ ना कहाँ मन में बहुत सारे विचारों को स्ट्रगल करते रहते हैं, और कई बार क्या होता है, हम लड़ लड़के थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हमारा नेचर बिगड़ जाता है। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने इन दिनों में बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुत लोगों से मैं मिला, ऑफिस में मिला और कुछ और लोगों से भी मिला, और मैंने देखा हर व्यक्ति अपने माइंड में कुछ बातों को लेकर बैटल कर रहा है। कोई फाइनेंशियली बैटल कर रहा है, किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, किसके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम जो जवान लोग हैं, हम कई बार चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं, लेकिन हम नहीं जी पाते, हम बार-बार गुनाहों में गिरते हैं, ये गिल्ट भी हमें मारती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सच में अपने मन के अंदर होने वाली लड़ाइयों से परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। मैं भी कई बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब मैं लड़ लड़के अपने आप को समझा समझा के कि सूरज सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है, ये सोच सोच के मैं थक जाता था। और सच कहता हूं, कई बार मैं पूरी तरह से थक जाता था, हताश और हेल्पलेस फील करता था। हो सकता है आपकी कंडीशन भी आज कुछ ऐसी हो। अब मैं आपको कुछ उत्तर देना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं डेविल किने हैरिस करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, या ऐसे समझिए कि उन्होंने अपने आप को बिजी रखना नहीं सीखा है। आप जानते हैं, अगर आपने अपने आप को व्यस्त रखना नहीं सीखा है, तो ये विचार हमेशा आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आपका मन खुला हुआ है इन चीजों के लिए। आपने देखा होगा, अगर एक बॉल अगर आप लो और अगर आप उसको दीवार से फेंको तो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दीवार है। अगर आप इसी बॉल को कहीं खुले में फेंक दो तो ये आगे चलता जाएगा। आप जानते हैं, मन के आगे कुछ दीवारें रखना जरूरी है ताकि ख्याल उसे टच करके वापस चले जाए। अगर आपने ये दीवारें खड़ी नहीं की तो मैं आपको, आई एम सो सॉरी, आप इन पे विजय नहीं पा सकते। आप जानते हैं बाइबल में दीवारों का कितना जिक्र है। अब आराम से पढ़िए, अगर आप देखेंगे तो नेमिया दीवार बनाने के लिए यरूशलेम वापस आया था। सुलेमान की दीवार आज भी फेमस है। ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को बिजी रखें। अगर हम बिजी नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर तरह तरह के विचार आएंगे, आपको पास्ट की बातें परेशान करेंगी, प्रेजेंट की बातें परेशान करेंगी, आपको फ्यूचर का टेंशन रहेगा कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर कल पैसे खत्म हो गए तो मैं अपने बिल्स को कैसे पे करूंगा, कहाँ से करूंगा। और कोई भी इन बातों से छूटा नहीं है। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए भी नहीं किया है। आप जानते हैं, लाल समुंदर, कभी इतिहास में कोई समुंदर दो भाग नहीं हुआ था, ये प्रभु ने पहली बार किया था। आप जानते हैं, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि आग में कोई
उतरकर उन्हें बचाए। पर शत्रक मेशक अभिनव के लिए यह पहली बार हुआ था। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें आप पढ़ सकते हो जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने पहली बार ये किसी के लिए कहा। परमेश्वर आपके लिए भी कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने 6021 साल से किसी के लिए नहीं किया है। पर उसके लिए आपको एक फेथ चाहिए, और फेथ तब आता है जब आप अपना वचन, जब आप अपना ध्यान वचन की ओर लगाते हैं। अब मैं एक सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन। आप जानते हैं बाइबल के अंदर पेड़ इंसान को दर्शाया गया है। अब आराम से पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें और भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। उसके बाद यीशु कहते हैं जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। और आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर इस तरह लिखा गया है, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़ कौन है? पेड़ हम है, फल कौन है? हमारा स्वभाव। आपने देखा होगा कि यीशु मसीह जब क्रूस उठा के जा रहे थे तो कुछ बहनें अपनी छातियों को पीट रही थी, और जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो उसके सूखने पर। यीशु ने भी अपने आप को पेड़ कहा कि देखो मुझसे कैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक आदमी के अंदर से अंधापन निकला और यीशु ने कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो बोलता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। आप जानते हैं पेड़ जो है वो हम हैं। अब भजन संहिता में लिखा गया है वह व्यक्ति जो बुरी संगतियों से दूर रहता है, लिखा है क्या ही मुबारक है वो व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, न उनकी युक्तियों पर चलता है। लिखा है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर दिन और रात उस पे मनन करता है। वह उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपने ऋतुओं में फलता रहता है। आप जानते हैं पेड़ हम हैं, और कैसे एक पेड़ हरा भरा रह सकता है, कैसे उस पेड़ में शांति आनंद सुकून हो सकता है? क्योंकि उसकी जड़ें पानी में है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना ध्यान प्रभु के वचन को दिन और रात मनन करने में लगा दिया है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। लॉर्ड सेज टू जोशुआ, इसी में ध्यान दिए रहना। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ये माइंड बैटलिंग बंद हो जाए, कभी कभी आपने देखा होगा मॉर्निंग उठते ही कुछ लोगों को घबराहट सी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं उन पर। वो सुबह से ही सोचते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, मुझे ये देना है, मुझे वो करना है। मैंने अपने लाइफ में चिंता भरे पैनिक अटैक्स बहुत फेस किए हैं, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक रास्ता मिल चुका है कि मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने में, मनन करने में अपने आप को व्यस्त रखना है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको ख्याल आते रहेंगे, आपको बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, तो मुझे बताइए अगर शैतान अपने जलते हुए तीर अगर आप पे फेंके भी तो आप पे क्या असर पड़ेगा? आज बड़े दुख की बात है कि विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते। मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूं कि एक बहन ने अपने घर के अंदर एक पास्टर को इन्वाइट किया, और खाना खा जाने के बाद जब वो पास्टर जी वहां से चले गए तो उन्होंने क्या देखा कि पास्टर की थाली में से चम्मच गायब है। क्या आप जानते हैं जब नेक्स्ट टाइम पास्टर फिर से खाना खाने के लिए आए तो उस बहन ने बड़े फ्रेंडली वे में उनसे पूछा, पास्टर जी लास्ट टाइम चम्मच गायब था, क्या आप उसे ले गए थे? जानते हैं उस पास्टर ने उनको क्या आंसर किया? उस पास्टर ने कहा नहीं, मैंने उसको आपकी बाइबल में रखा था। जरा सोचिए, महीनों तक उस बहन ने बाइबल ओपन नहीं किया था, अगर वो खोलती तो उसे मिल जाता।
आज बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी फेमस प्रीचर को सुनते रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी कोई पर्सनल स्टडी, कोई पर्सनल अध्ययन नहीं है। यही रीजन है कि हम एक हारी हुई जिंदगी जीते हैं विचारों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहोशू के समय में लिखा गया है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते रहते हैं? Ask yourself। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सारा दिन क्या सोचते रहते हैं? बेटे और बेटी की शादी कैसे होगी? पैसे कहां से आएंगे? मेरा पति शराब कब छोड़ेगा? मेरा परिवार मसीह में कब आएगा? क्यों हमारी दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं? क्यों खुदा होने के बाद भी मेरी लाइफ टफ है? क्यों खुदा है तो मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है आपके मन की दिशा कैसी है? आप क्या सोचते रहते हैं? मैंने अपनी आंखों से, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को हमेशा कमजोर महसूस करते हैं। जानते हैं क्यों? नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जगह देना एक सबसे बड़ी बीमारी है। आज लोगों को लगता है कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, एड्स बहुत बड़ी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बीमारी जानते क्या है? अपने अंदर नकारात्मक नेगेटिव बातों को अपने अंदर जगह देना, ये इंसान को खत्म कर देता है। आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई अपने आप को फांसी से चढ़ा देता है, कोई अपने आप को ट्रेन के नीचे लेके आता है, कोई जहर पी लेता है, कोई पॉइजन खा लेता है, बहुत कुछ करते हैं आज। कभी आपने इस बारे में सोचा, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को खत्म कर दिया, 10 से 15 मिनट पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर वन थिंग, ओनली वन थिंग, नेगेटिव थॉट्स, अपने आप के लिए बुरा सोचना। मैं जवान भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे जवान भाई मुझे बहने देख रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही हूं, प्रतिदिन मुझसे भी पाप होते हैं। हाँ, प्रभु मेरा गवाह है, मैं जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अगर मुझसे हो जाते हैं तो मैं प्रभु के सामने मान लेता हूं कि हाँ खुदा, मुझसे गुनाह हुआ है। कई बार आप जितने भी यंग लोग मुझे देख रहे हैं, कई बार हम चाहते हैं कि मैं एक अच्छी जिंदगी जिए, पर यह हो नहीं पाता। उसके बाद पाप हो जाने के बाद हम अपने आप को कोसते हैं, सोचते हैं कलीसिया जाके क्या करेंगे, फेलोशिप करके क्या करेंगे, बाइबल पढ़ के क्या करेंगे, पाप तो हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों आप अपने आप पे दोष लगाते हैं? मेरे हाथ में इस टाइम पे एक कवर है, एक बॉक्स है। आप जानते हैं, इस बॉक्स को जब मैंने परचेस किया, अब ये मेरा है, मैंने इसे परचेस किया, अब आपका कोई हक नहीं है कि इस बॉक्स के बारे में आप ये कहें ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये चौड़ा है, वगैरह वगैरह। ये आपका नहीं है, ये मेरा है, मैं टिप्पणी करूंगा, आप नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि उसने हमें अपने खून से खरीदा है, अब आप अपने नहीं है, आप दाम देकर मोल लिए गए हैं, अब जो चीज उसकी है, आप उस पर क्यों दोष लगा रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? बाइबल बताती है, अपने आप को अपने सृजनहार के हाथ में सौंपो। आपको अपने आप को खुदा को देना है कि खुदा, हाँ मैं आपका हूं, मुझसे आज भी गुनाह होते हैं, मैं आज भी प्रभु कुछ पाप जान बूझ के करता हूं, क्योंकि मुझे इस पे बड़ा मजा आता है, मुझे पासिंग प्लेजर मिलता है उसमें। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन के सामने अपने आप को समर्पित करो, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को कोसो मत। आप जो भी हो, खुदा सब आपके लिए जानता है। दाऊद तो कहता है वो मेरा उठना और बैठना जानता है, और वो इवन ये कहता है कि वो दूर से मेरे विचारों को जान लेता है। खुदावन हमें जानता है, वो आपसे प्यार करता है, वो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि आप अपने आप में एक ऑनेस्ट व्यक्ति बने और आप मान लें कि हाँ मुझसे गलतियां होती हैं, मुझसे गुनाह होते हैं,
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को कहां पर बिजी करो। कब तक लड़ेंगे हम अपने आप से बैठ के? कब तक अपने आप को समझाएंगे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा? कब तक? जरा सोचिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, काफी सारे लोग डिप्रेस हैं, डिस्करेज हैं, अपसेट हैं, वे अपने आप में डिस्टर्ब हैं, फेक स्माइल लेके चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी आपको एक वे दे रहा है। वो आपको कहता है, अपने आप को मुझ में व्यस्त रख। यही तो बात थी जो यीशु ने समझाई, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इफ यू अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू, वॉट एवर यू आस्क इट विल बी डन, द बाइबल सेज। ये पूरा हो जाएगा, 15:7 जॉन में लिखा है ये। मैं फिर से कहता हूं, अपने लाइफ में एक अनुशासन लेकर आइए, अपने लाइफ एक डिसिप्लिन लेकर आइए, इससे पहले कि आप दुनिया को फेस करें, फर्स्ट फेस योर गॉड, अपने परमेश्वर से मिलिए। कौन है परमेश्वर? बाइबल बताती है परमेश्वर वचन है। हम कोई मूर्ति नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मूर्ति में नहीं रहता। इवन हम लोग किसी को यह भी नहीं कहते कि आप ये मूर्ति निकाल के यीशु की मूर्ति रखो, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मूर्तियों में नहीं रहता है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में। इवन द बाइबल सेज, इतने साल सुलेमान को लग गए एक मंदिर बनाने में, और जब वो मंदिर में गया तो उसे पहली बात उसने कही, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रहता, आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है, हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे। सुलेमान ने इतने साल एक मंदिर को बनाने में लगा दिया, पर उसके बाद भी वो कहता है, नहीं, मैं जानता हूं तू इस मंदिर में नहीं समा सकता, क्योंकि आकाश तेरा आसन है और पृथ्वी तेरी फुटस्टूल है, तेरे पांव रखने की जगह है, तो आखिर खुदा कहां रहता है। 1 Corinthians 3:16 में लिखा है, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो हम है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? कितनी बड़ी बात है, इतने विशाल परमेश्वर ने अपने आप को एक छोटे से वचन में सीमित करके वो हमारे अंदर रह रहा है। हाउ ग्रेट इज अवर गॉड। एक इतना विशाल परमेश्वर जो इतना बड़ा है, उसने अपने आप को सीमित कर दिया एक वचन में, और वो आज हमारे अंदर रह रहा है। जितना वचन अंदर लेंगे उतना आप उसे अंदर ले रहे हैं, और जितना वो अंदर है उतना उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल आपके जीवन में होगा। तो प्लीज बी वाइज, डोंट लिव लाइक अ फूलिश पीपल, मूर्ख लोगों की तरह मत रहिए, जिनको सिर्फ अपना समय बर्बाद करने आता है, 10 मिनट वहां, आधा घंटा वहां, 1 घंटा वहां, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ एम, आप और मैं हमेशा एक लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया।